नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। टाटा मोटर्स का ट्रेंड काफी आउटस्टैंडिंग है। 600 और 632 ये पूरा जोन जो है ये है कंसोलिडेट जोन। मेरे पर्सनल व्यू बियरिश हैं फॉर टारगेट ऑफ 520-560 के बीच का लेवल, लेकिन इस समय कंसोलिडेट के अपर साइड को ब्रेकआउट कर रहा है, इसीलिए हमने कहा कि कंसोलिडेशन जोन में काफी कंफ्यूजिंग होगा। या तो इसके ऊपर के क्लोजिंग करने दे लॉन्ग के लिए, या इसके नीचे के क्लोजिंग करने दे शॉर्ट के लिए। जब तक इस जोन को नहीं ब्रेकआउट करता है तब तक बिल्कुल इग्नोर करेंगे। यहां देखेंगे तो ऑटो सेक्टर Q2 रिजल्ट प्रीव्यू, चीपर इनपुट कॉस्ट, हायर रियलाइजेशन, और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जो है ऑटो के नंबर्स बेहतर दिख सकते हैं। 25,000 को लेकर के ये बुकिंग कर रहा है, ऑथराइज बुकिंग सफारी को लेकर के। इससे पहले GLR के काफी बेहतर नंबर्स रहे, जो सितंबर के नंबर्स रहे वो भी आउटस्टैंडिंग रहा, तो ये सभी न्यूज पॉजिटिव ही रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी बाजार का सेंटिमेंट वीक है, बाजार और ये स्टॉक कंसोलिडेट फॉर्म को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ कौशन बरतने की जरूरत है। ये जो डिलीवरी है वो बेटर है, और ये डिलीवरी ही है जो स्टॉक को लोअर साइड नहीं जाने दे रहा है। टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया। इवन 1 मंथ नहीं, 3 मंथ, 3 मंथ के जो रिटर्न है वो लगभग जीरो है, निगेटिव लेवल है। और ऐसे स्टॉक्स को हमेशा ब्रेकआउट का वेट करें, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि कंसोलिडेट हम हमेशा क्या करते हैं कि इस जोन में लिया, हमारा जो अमूमन क्या होता है, यहाँ लिया, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, तो यहाँ हम मैक्सिमम लॉस के ही जो है लॉस के कारण ही बनते हैं। तो एक बार या तो इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग होने दें या इसके नीचे की क्लोजिंग होने दें। अगर 632 के ऊपर की बाइंग करते हैं तो 612-16 के आसपास के SL को लेकर के चलेंगे, और यहाँ से 666-720 का टारगेट आएगा। और 5600 के लेवल को ब्रेक डाउन करें फिर हमारा एक बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन लॉन्ग टर्म के लिए भी आएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस समय बिल्कुल इग्नोर करेंगे, और लॉन्ग करते हैं तो 612-16 के SL को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे।